अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हे राम जी, हमको ना बहुत घबराहट हो रहा है, हमारी मदद कीजिएगा। चाको राखे साईया, मार सके ना कोई। आप इबादत का के है ना? हाँ, मैं इबादत हूँ और तुम एक मसीहा। वो मसीहा जो अपने कौम के हक के खातिर एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो हर कोई नहीं लड़ पाता। हमको तो बहुत ही डर लग रहा है इबादत काकी, पता नहीं वहाँ कचहरी में क्या होगा। कचहरी में सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी जागृति। हम तो हमेशा सच ही बोलते, मतलब हमारी जीत होगी। लेकिन आपको कैसे पता? ये कचहरी सिर्फ कंकड़ और पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये हमारे मुल्क का वो चिराग है जो सब पे इंसाफ की रोशनी लौटाता है। यह छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सब नहीं देखा जाता, सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई देखी जाती है। कभी कभी थोड़ा वक्त लगता है पर जीतता वही है जो सही है। लेकिन वो थाना के जैसा, यहाँ भी अगर हमारी बात पे कोई विश्वास नहीं किया तो? कोई सुने ना सुने, तुम सच्चाई चीख चीख कर सुनाती रहना। यहाँ तो लोग चीख चीख कर झूठ को भी सच में तब्दील कर देते हैं। तुम तो सच्चाई की राह पर चल रही हो, तुम्हें दुश्वारी नहीं आएगी। बस अपना हौसला मजबूत रखना जग्गू, हौसला मत हारना, लड़ती रहना। बाबा कहते हैं कि जग्गू को भी हौसला नहीं हारती, जो ठान लेती है वो कर दिखाती है। और अब तो हमको अपने माथे से अपराधी होने का कलंक भी मिटाना है। जो तकदीर सरकार ने तय की है उसको बदलने के लिए हौसले से तो लड़ना पड़ेगा ना काकी। बाकी शुक्रिया इबादत काकी, आपकी बातों से ना हमें खूब बल मिला है, अब जग्गू को कोई नहीं डरा सकता। वेरी गुड। हाँ ठीक है ठीक है, चलो लेके चलो इसे, लेट हो रहा। एक मिनट। खुदा मेरी दुआ हमेशा कबूल करते हैं और मेरी दुआ यही है कि जीत तुम्हारी होगी। चलो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।